Top 20 News is brought to you by Aura Fine Jewelry in association with Cummins College of Engineering for Women, Nagpur. नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। दिल्ली में आईएसआईएस का आतंकी गिरफ्तार हुआ है। इस पर 3 लाख रुपए का इनाम था। आतंकी की पहचान रिजवान अली के रूप में हुई है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रोफाइल तस्वीर बदलकर तिरंगा रख दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को पेरिस ओलंपिक में सिल्वर जीतने पर बधाई दी है। भारत की महिला पहलवान वीरेश फोगाट मामले में आज सीएस में सुनवाई है। सीएस में वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे विनिश का पक्ष रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट आज मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगा। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में सिसोदिया फरवरी 2023 से तिहाड़ जेल में बंद है। तोरेंग सिक्किम में आज सुबह 6:57 पर रिक्टर पैमाने पर 4.4 तीव्रता का भूकंप आया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया कि असाधारण एथलीट नीरज चोपड़ा को पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की भाला फेंक में उनकी अद्भुत उपलब्धि और रजत पदक जीतने के लिए बहुत बहुत बधाई। पेरिस ओलंपिक में पुरुषों के भाला फेंक में रजत पदक जीतने पर एथलीट नीरज चोपड़ा ने कहा कि जब भी हम देश के लिए पदक जीतते हैं तो हम सभी को खुशी होती है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया, शाबाश नीरज, पेरिस ओलंपिक 2024 में भाला फेंक प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने के लिए नीरज चोपड़ा को हार्दिक बधाई। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय हॉकी टीम के पूर्व गोलकीपर मीर रंजन नेगी ने कहा कि हॉकी टीम के लिए यह एक अद्भुत दिन है। पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर पानीपत में नीरज चोपड़ा के घर पर जश्न मनाया। मुंबई शहर के एक कॉलेज द्वारा अपने परिसर में हिजाब बुरका और नकाब पर प्रतिबंध लगाने के मुंबई हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई करेगा। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। यूपी सरकार आज काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह मनाएगी। आज सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा मांग के हिसाब अभियान के तहत पद यात्रा करेंगे। सरकार ने लोकसभा में वक्फ से जुड़े 2 विधेयक पेश किए हैं। पहले विधेयक में मुसलमान वक्फ कानून 1923 को खत्म करने का प्रस्ताव किया गया और दूसरे विधेयक में वक्फ कानून 1995 में बड़े बदलाव का प्रस्ताव किया गया। वक्फ बोर्ड बिल पर चर्चा के दौरान शिवसेना यूपीटी के सांसद संसद से गायब रहे। इस पर शिंदेगुड़ के सांसद मिलिंद देवड़ा ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उद्धव के नुमाइंदों का असली चेहरा बेनकाब हो गया। धोखाधड़ी और गलत तरीके से आईएएस बनने वाली पूजा खेड़कर के पिता दिलीप खेड़कर की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब उनके खिलाफ पुणे पुलिस ने नया मामला दर्ज किया है। महाराष्ट्र के अधिकांश जिलों में बारिश धीरे धीरे कम हो रही है। फिलहाल मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक आज शुक्रवार को कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना है। बैंक और आईटी शेयरों के धमाकेदार प्रदर्शन से शेयर बाजार की बढ़त पर शुरुआत हुई है। गुरुवार को स्टॉक एक्सचेंज में गिरावट पर कारोबार बंद हुआ था और आज गैप अप ओपनिंग हुई है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए एनबीसी न्यूज़। नमस्कार।